ध्यान दीजिएगा, जो जिसका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन से है, तो देखिएगा अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड का स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो 4-5 मिनट का वीडियो रहने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपको लगता ईजी है, लेकिन देखिएगा इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन आते हुए दिखाई देगा। देखिएगा पहला सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, देखिएगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर स्टेटर एवं ध्रुवों की संख्या 50 पोल है, तो स्टेटर तुल्यांक की गति क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा NS हो या फिर RPM हो, तो यहाँ पे फिलहाल NS लिया है, तो 120 / F × P करिएगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 120 कर लेते हैं बाय 50 × P करते हैं, तो 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 RPM इसका वैल्यू हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा इसमें आपको आपका जो है कि कॉन्सेप्ट आपका काम करना बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की गति 730 RPM है, तो इसकी जो है तुल्यांकी गति क्या होगी एवं स्टेटर ध्रुवों की संख्या क्या होगा? तो इसका देखिएगा तुल्यांकी गति पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा तुल्यांकी गति, हमेशा जो तुल्यांकी गति होता है रोटर की गति से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ जो है रोटर का गति कितना दिया हुआ है, 730 दिया हुआ है, तो लगभग में तुल्यांकी गति इससे अधिक लेंगे, इससे क्या करेंगे, हमेशा जो है तुल्यांकी गति अधिक लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन से छाँट सकते हैं, 715 नहीं होगा, 700 नहीं होगा, 695 नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब पूछा है कि देखिएगा पी का मान क्या होगा, तो अब देखिएगा आपके पास RPM आ गया है, अगर आपके पास RPM आ गया है तो P का मान निकाल लीजिए, RPM बराबर RPM करके आप निकाल सकते हैं P का मान, या फिर NS करके P का मान निकाल सकते हैं, तो लीजिए NS करके निकाल लेते हैं, 750 अगर 120 करेंगे बाई 20 × 20, अगर यहाँ टोटल P का मान निकालना है तो P का P कर देते हैं, तो देखिएगा इसको कटा देते हैं 15, यानी कितना बार में, 15 बार में, 15 × 8 = 8 बार में, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो इसका अगर पूछेगा तो इसका इसका क्या पूछेगा, देखिएगा तुल्यांकी गति यानी एनएस का वैल्यू कितना होगा, 750 जो कि हमेशा रोटर गति से क्या होगा, अधिक होगा, उसके अलावा पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा 8। देखिएगा ये इसका राइट आंसर रहा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है कि कॉमन सेंस बेस है। यहाँ पे देखिएगा एक इंडक्शन मोटर मोटर का रोटर 270 RPM पर घूम रहा है और इसकी तुल्यांकी गति बढ़ाया जाता है, तो स्टेटर ध्रुवों की संख्या क्या हो जाएगा? तो देखिएगा निकटतम, हमेशा देखिएगा निकटतम लेना है, जो कि लगभग में मेरा मान के चलिए 5 से आपका इजीली कटते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 5 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा, तो निकटतम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो देखिएगा उसी की पे आधार पे हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमको पी निकालना है, तो लीजिए पी अब निकालिए, एनएस बराबर, तो एनएस बराबर हो गया 300 और 120 50 / P, तो आप इसको कटाइए 50 × 6 = 6 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 6 6, कटाएंगे इसको 120 से तो कितना हो जाएगा, 20 बार में, तो 20 पोल इसका हो जाएगा आंसर। देखिएगा इस तरह का जो है कि कॉन्सेप्ट बेस रहता है, जो कि एनएस हमेशा आपको निकटतम लेके आपको चलना चाहिए। देखिएगा वही कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, एनएस जो है हमेशा NR यानी रोटर से जो है एनएस का यानी कि जो तुल्यांकी गति है उसका हमेशा जो है रोटर का गति से क्या होता है, उसका गति ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा उससे क्या होता है, उसका गति हमेशा क्या करना है, ज़्यादा लेना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर आप टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एग्जाम दे रखा है, तो देखिएगा इससे रिलेटेड अलग अलग तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो या फिर PSU सेक्टर हो या फिर DRDO, इसरो, किसी भी में भी जाइएगा तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।